रामगढ़ में बीजेपी के मुख्य चुनावी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष यादव ने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कई संपत्तियां और आयु के बारे में शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, जिसके बाद कई मंत्री और विधायकों का शपथ पत्र भी जांच के दायरे में आ गया है, जैसे कि बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद हैं, जिनके चुनावी शपथ पत्र में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लग रहा है। बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हैं। इंडी गठबंधन में झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड चला है, जितने इनके बड़े नेता हैं वो जानबूझकर अपने खिलाफ जो है वो तथ्यों को छिपाते हैं या तोड़ मरोड़ कर शपथ पत्र के जरिए पेश करते हैं। शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। 2019 में उनकी उम्र 42 वर्ष थी, 2024 में उनकी उम्र जो है वो 49 हो गई, यानी महामानव है हमारे मुख्यमंत्री जी। 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी आयु बढ़ गई। मुख्यमंत्री जी ने 2006 से 8 के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, जिनका जिक्र उन्होंने 2014 और 19 के चुनाव के एफिडेविटों में नहीं किया था। अचानक 2024 के चुनाव में 21 उन प्रॉपर्टीज का, जिनका परचेज 2006 और 8 के बीच में हुआ था, उनका पदार्पण होता है उन प्रॉपर्टीज का। तो ये जो झूठ की खेती है ना, ये अब इंडिया गठबंधन को महंगा पड़ रहा है, और इनकी देखा देखी अब जो अनेक विधायक और मंत्री हैं वो भी यही कर रहे हैं। ये सरकार जो वर्तमान सरकार है इसके खिलाफ जनाक्रोश है, पूरी जनता यही चाह रही है कि समय आ गया है। 5 साल जिस तरह से इस सरकार ने यहाँ के लोगों को सताने का काम किया, यहाँ की संसाधनों को लूटने का काम किया, जिन वादों के साथ ये सरकार इस राज्य में स्थापित हुई थी, एक भी वादा ये सरकार नहीं पूरा किया। पूरा झारखंड की जनता यह पूछ रहा है कि आपने बालू बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद क्यों किया, और जो बालू 2000-1500 में मिलता था आज 8000 में मिल रहा है, वो पैसा आखिर कहाँ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होने का मुख्य कारण यही रहा, यहाँ का दरोगा, यहाँ का DSP, यहाँ का SP, यहाँ का इंस्पेक्टर से लेकर के CO तक को सरकार ने बालू की गाड़ियों को गिनने के लिए लगाया था। अब बड़कागांव विधानसभा के बारे में चर्चा हो रही थी, बड़कागांव विधानसभा तो एक्सेप्शनल विधानसभा है। 15 साल में बड़कागांव विधानसभा में कब्जा करके लोग गुंडा राज स्थापित किए, और किस तरह से NTPC, चाहे वो बड़कागांव पकरी बरवाड़ी हो चाहे पतरातू का NTPC हो, इन लोगों ने रात रात भर बालू चलाई है, दून नंबर बालू का अवैध कमाई सरकार ने किया है। रामगढ़ में बीजेपी के मुख्य चुनावी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष यादव ने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कई संपत्तियां और आयु के बारे में शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, जिसके बाद कई मंत्री और विधायकों का शपथ पत्र भी जांच के दायरे में आ गया है, जैसे कि बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद हैं, जिनके चुनावी शपथ पत्र में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लग रहा है। बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हैं। इंडी गठबंधन में झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड चला है, जितने इनके बड़े नेता हैं वो जानबूझकर अपने खिलाफ जो है वो तथ्यों को छिपाते हैं या तोड़ मरोड़ कर शपथ पत्र के जरिए पेश करते हैं। शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। 2019 में उनकी उम्र 42 वर्ष थी, 2024 में उनकी उम्र जो है वो 49 हो गई, यानी महामानव है हमारे मुख्यमंत्री जी। 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी आयु बढ़ गई। मुख्यमंत्री जी ने 2006 से 8 के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, जिनका जिक्र उन्होंने 2014 और 19 के चुनाव के एफिडेविटों में नहीं किया था। अचानक 2024 के चुनाव में 21 उन प्रॉपर्टीज का, जिनका परचेज 2006 और 8 के बीच में हुआ था, उनका पदार्पण होता है उन प्रॉपर्टीज का। तो ये जो झूठ की खेती है ना, ये अब इंडिया गठबंधन को महंगा पड़ रहा है, और इनकी देखा देखी अब जो अनेक विधायक और मंत्री हैं वो भी यही कर रहे हैं। ये सरकार जो वर्तमान सरकार है इसके खिलाफ जनाक्रोश है, पूरी जनता यही चाह रही है कि समय आ गया है। 5 साल जिस तरह से इस सरकार ने यहाँ के लोगों को सताने का काम किया, यहाँ की संसाधनों को लूटने का काम किया, जिन वादों के साथ ये सरकार इस राज्य में स्थापित हुई थी, एक भी वादा ये सरकार नहीं पूरा किया। पूरा झारखंड की जनता यह पूछ रहा है कि आपने बालू बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद क्यों किया, और जो बालू 2000-1500 में मिलता था आज 8000 में मिल रहा है, वो पैसा आखिर कहाँ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होने का मुख्य कारण यही रहा, यहाँ का दरोगा, यहाँ का DSP, यहाँ का SP, यहाँ का
इंस्पेक्टर से लेकर के सीओ तक को सरकार ने बालू की गाड़ियों को गिनने के लिए लगाया था। अब बड़कागांव विधानसभा के बारे में चर्चा हो रही थी, बड़कागांव विधानसभा तो एक्सेप्शनल विधानसभा है। 15 साल में बड़कागांव विधानसभा में कब्जा करके लोग गुंडा राज स्थापित किए और किस तरह से एनटीपीसी, चाहे वो बड़कागांव पकरी बरवाटी हो चाहे पतरातू का एनटीपीसी हो, इन लोगों ने रात रात भर बालू चलाई है। धुन नंबर बालू का अवैध कमाई सरकार ने किया है। रामगढ़ में बीजेपी के मुख्य चुनावी कार्यालय में बीजेपी और राजस्व ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतोष यादव ने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कई संपत्तियां और आयु के बारे में शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, जिसके बाद कई मंत्री और विधायकों का शपथ पत्र भी जांच के दायरे में आ गया है। जैसे कि बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद हैं, जिनके चुनावी शपथ पत्र में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लग रहा है। बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हैं। इंडी गठबंधन में झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड चला है, जितने इनके बड़े नेता हैं वो जानबूझकर अपने खिलाफ जो है वो तथ्यों को छिपाते हैं या तोड़ मरोड़ कर शपथ पत्र के जरिए पेश करते हैं। शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। 2019 में उनकी उम्र 42 वर्ष थी, 2024 में उनकी उम्र जो है वो 49 हो गई, यानी महामानव है हमारे मुख्यमंत्री जी। 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी आयु बढ़ गई। मुख्यमंत्री जी ने 2006 से 8 के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, जिनका जिक्र उन्होंने 2014 और 19 के चुनाव के एफिडेविटों में नहीं किया था। अचानक 2024 के चुनाव में 21 उन प्रॉपर्टीज का, जिनका परचेज 2006 और 8 के बीच में हुआ था, उनका पदार्पण होता है उन प्रॉपर्टीज का। तो ये जो झूठ की खेती है ना, ये अब इंडिया गठबंधन को महंगा पड़ रहा है और इनकी देखा देखी अब जो अनेक विधायक और मंत्री हैं वो भी यही कर रहे हैं। ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इसके खिलाफ जनाक्रोश है। पूरी जनता यही चाह रही है कि समय आ गया है। 5 साल जिस तरह से सरकार ने यहाँ के लोगों को सताने का काम किया, यहाँ की संसाधनों को लूटने का काम किया, जिन वादों के साथ ये सरकार इस राज्य में स्थापित हुई थी, एक भी वादा ये सरकार नहीं पूरा किया। पूरा झारखंड की जनता यह पूछ रहा है कि आपने बालू बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद क्यों किया, और जो बालू 2000-1500 में मिलता था आज 8000 में मिल रहा है, वो पैसा आखिर कहाँ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होने का मुख्य कारण यही रहा, यहाँ का दरोगा, यहाँ का DSP, यहाँ का SP, यहाँ का इंस्पेक्टर से लेकर के CO तक को सरकार ने बालू की गाड़ियों को गिनने के लिए लगाया था। अब बड़कागांव विधानसभा के बारे में चर्चा हो रही थी, बड़कागांव विधानसभा तो एक्सेप्शनल विधानसभा है। 15 साल में बड़कागांव विधानसभा में कब्जा करके लोग गुंडा राज स्थापित किए और किस तरह से NTPC, चाहे वो बड़कागांव पकरी बरवाटी हो चाहे पतरातू का NTPC हो, इन लोगों ने रात रात भर बालू चलाई है। धुन नंबर बालू का अवैध कमाई सरकार ने किया है।